इस वीडियो ट्यूटोरियल में केरास के हम कंपैरिजन करेंगे ऑफ केरास विथ टेंसर फ्लो। केरास और टेंसर फ्लो में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, कब इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब चीज़ों को टच करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Keras, TensorFlow versus Keras. So, TensorFlow is the open source library for a number of various tasks in machine learning. अगर आपने machine learning करनी है और आपको statistical knowledge काफ़ी ज़्यादा है, आपका maths काफ़ी अच्छा है, so TensorFlow is not a bad option और आप TensorFlow पे coding कर सकते हैं, उसको coding सीख सकते हैं और TensorFlow को आप machine learning के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन TensorFlow is a wide option. TensorFlow काफ़ी वाइड ऑप्शन है जिसमें मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन Keras इज़ टिपिकली न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी। Keras न्यूरल नेटवर्क लाइब्रेरी है और इसको न्यूरल नेटवर्क्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। TensorFlow प्रोवाइड्स बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल APIs। TensorFlow जैसे कि बहुत वाइड एरिया है और इसमें एज इट ऑल्सो वर्क्स एज ए बैक एंड ऑफ Keras, सो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल APIs और लो लेवल APIs को सपोर्ट करता है TensorFlow। लेकिन Keras इज़ टिपिकली हाई लेवल API और बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली है और आप इसको ईजीली इस्तेमाल कर सकते हो विद वेरी लो PC, विद वेरी लो कंप्यूटेशन। और आप इसको अपने अगर आपने फास्ट एक्सपेरिमेंट्स, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि अगर आपने फास्ट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो आप इसके साथ बहुत आसानी से Keras के साथ कर सकते हो, जो कि TensorFlow के साथ आप नहीं कर सकते क्योंकि TensorFlow में बहुत हाई लेवल नॉलेज ऑफ कोडिंग चाहिए होता है और आपको अगर आपने लेयर जनरेट करनी है तो इट वॉन्ट बी डन इन 1 लाइन ऑफ कोड और 2 लाइन ऑफ कोड, इट वुड रिक्वायर अ लॉट मोर लाइन ऑफ कोड्स एंड काफ़ी एक न्यूबी के लिए हसल और काफ़ी मसले में पड़ सकते हैं अगर आपके पास इतना बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। लेकिन Keras को आप इजीली हैंडल कर लेते हैं इफ़ यू हैव अ लो नॉलेज अबाउट डीप लर्निंग और इसको आप आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। TensorFlow अलाउज फॉर इमीडिएट आइट्रेशन अलॉन्ग विद इंट्यूटिव डीबगिंग। TensorFlow के अंदर आपको इंट्यूटिव नॉलेज होना चाहिए, कॉग्निटिव नॉलेज होना चाहिए अबाउट मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग और आपने डीबगिंग कैसे करनी है और आपने उसको अपने कोड को कैसे चेक करना है और आपने उसको शेप में कैसे लाना है, पूरे टेंसर्स को कैसे सेंड करना है, ये सारा आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए बिफोर यूजिंग TensorFlow और उसके और आपने उसको डीबग कैसे करना है। सो इट्स गुड in TensorFlow that you can debug the code easily, and in Keras, so Keras reduces the cognitive load for the users. Like users don't have to think about के मेरे पास इतना information नहीं है, इतना core information नहीं है, अब मैं इसको implement करूँगा कैसे करूँगा क्या करूँगा। So बहुत आपके पास अगर low level of information भी है about that problem or about that area, so you can implement your code in towards that area of code, and Keras also supports RNN and CNN और बहुत अच्छी एक API है जिसको आजकल यूज़ कर रहे हैं और इसके ये कंपैरिजन था TensorFlow versus Keras का और Keras का। So we'll see in next video.